यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में किसानों और प्रशासन के बीच में सुलह हो गई है। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुलह में एक बात यह भी है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादा आगे ना जा, पीछे बढ़ो। वो 120 मिनट का हंगामा था, लेकिन गूंज देश भर में सुनाई देने लगी। अक्टूबर को दोपहर 3:45 पर हिंसा की खबर आई और उसके साथ ही सियासत भी बढ़ गई। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती के ट्वीट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी, तो वहीं किसान नेता भी लखीमपुर खीरी की ओर कूच करने लगे। मामला बढ़ना तय था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क थे, सजग थे। तीन अक्टूबर को जब 8 लोगों की हिंसा से मौत की खबर लखीमपुर खीरी से सामने आती है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का अपना दौरा रद्द कर रात 9 बजे लखनऊ पहुंचते हैं, जहां पर देर रात तक वो हाई लेवल बैठक करते हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को लखीमपुर खीरी जिले में भेजते हैं, जहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। देर रात तक किसानों के साथ पुलिस कर्मियों का संवाद चलता रहा और किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास भी चलता रहा, ताकि लखीमपुर खीरी जिले में शांति बनी रहे। लखीमपुर की घटना पर CM योगी लगातार अपडेट लेते रहे। लखीमपुर में इंटरनेट सेवा रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। घटना स्थल तिकुनिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और पुलिस महकमे के कई आला अधिकारियों ने लखीमपुर खीरी में ही डेरा डाल दिया। 3 अक्टूबर की रात होते होते विपक्ष के कई नेता लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़े, लेकिन योगी आदित्यनाथ माहौल बिगड़ने से रोकने में जुट गए। तीखी बयानबाजी के बीच भी योगी अड़े रहे। नेताओं को लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने दिया गया। विरोध में प्रियंका गांधी ने हिरासत में ही अपने कमरे में झाड़ू भी लगाया, लेकिन योगी अपने फैसले पर अटल थे। योगी आदित्यनाथ हर हाल में किसानों का गुस्सा कम करना चाहते थे, इसलिए बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका था और फिर किसान संगठनों के साथ फाइनल समझौते पर मुहर लग गई, जिसके मुताबिक हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज मामले की जांच करेंगे। 8 दिन में दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक किसान के आश्रितों को 45 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मृतक किसान के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। घायल किसानों को 10 लाख की सहायता राशि मिलेगी। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। किसानों और योगी सरकार के बीच की सहमति का ऐलान करने के लिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी ने किसानों को बड़ा संदेश दिया। जाहिर है हंगामा अब थमने लगा है, लेकिन सवाल अभी बाकी है और उन सवालों के जवाब ही हिंसा के असली गुनाहगारों का चेहरा बेनकाब करेंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।